नवाबगंज नगर के समीप ग्राम बीजामऊ में कई दशक के बाद एक बार फिर साध सतनामी सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में साध समाज के लोगों का पूरे देश में से सत्संग में शामिल होंगे। सत्संग के आयोजन के लिए पंडालों का निर्माण हो रहा है। बीजामऊ पूर्व प्रधान नवरत्न साध जी के मुताबिक 1866 से बीजामऊ में साध सतनामी सत्संग 13 बार हो चुका। सत्संग में श्रद्धालुओं के रहने और खाने की व्यवस्था के लिए पंडाल लगवाए जा रहे। सत्संग का आयोजन की व्यवस्था जोर शोर से की जा रही। 1982 में और फिर 1995 से 2000। अच्छा, ये आपके गांव जो बीजामऊ ग्राम है इसमें सत्संग का आयोजन होना चाह रहा, जानना चाहूंगा मैं इसके बारे में। हाँ, ये सतनामी साधों का सम्मेलन हो रहा है एक प्रकार से, और ये पूरे देश से व्यक्ति यहाँ आएंगे। इस पंथ की स्थापना 1657 में धौलपुर अंतर्गत फतेहाबाद में हुई, और ये निर्गुण संत धारा का एक पंथ है जिसमें एक मालिक की उपासना, बौद्धेव उपासना का निषेध, अवतारवाद का निषेध, तीर्थाटन का निषेध, साधना रूपी अग्नि में तपाकर अपने को खरा कुंदन बनाओ। आप लोगों में मूर्ति पूजा तो नहीं होती? मूर्ति पूजा नहीं होती। अच्छा। तीर्थाटन भी नहीं है। अच्छा। और कोई होली दिवाली का त्यौहार रंग वगैरह हम नहीं खेलते। अच्छा, अच्छा। और सतनामी पंथ में अपने शुद्धाचरण पे सबसे ज़्यादा बल दिया। ये सत्संग कब से कब तक होगा? ये सत्संग 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चलेगा। कहाँ कहाँ के श्रद्धालु इसमें सत्संग में आएंगे? इसमें पूरे देश से आ रहे हैं, दक्षिण भारत से भी आ रहे हैं। पंडाल का सबसे बड़ा पंडाल लगाया है जिसे बोलते हैं दरबारी हॉल। यहाँ पे सब मिलके शाम को और दिन में इकट्ठे होके हमारे यहाँ एक तरीके से सत्संग होगा। अच्छा। जो और ये सब रहने का, ये बीच का एक काफी बड़ा है जितने सब जने इकट्ठे होके यहाँ पे सत्संग करें। ये तीनों में अलग अलग दिया गया है, संगत ज्यादा होने की वजह से, इस वजह से ये किया गया है बढ़िया करके। विवेक बरेली, नवाबगंज की रिपोर्ट।